नई नई शादी हुई, पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में बोली, पानी क्यों डाला? पति बोला, तेरे बाप ने बोला था कि दामाजी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसलिए। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? पत्नी बोली, हेलो कहाँ हो? पति बोला, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था? पत्नी बोली, हाँ याद आया। पति बोला, और उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे? पत्नी खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति बोला, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेकर दूंगा। पत्नी बोली और ज़्यादा खुशी से, हाँ हाँ बहुत ही अच्छी तरह से याद है। पति बोला, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें दे कर खरीदा करो, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुए, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी दुकान में घुस जाती है। सुहाग रात के समय पति बोला, तुमने अंडरवियर क्यों नहीं पहनी? पत्नी बोली, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि मैं किसी के सामने अंडरवियर नहीं उतारूंगी।